नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो 12th क्लास हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें मन के तथास्थिया, उसको समझने वाले हैं। इस चैप्टर पे ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ मैं और आज ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने अगर इससे पहले की दो वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि आप आगे की इस वीडियो को भी, इस वीडियो में जो टॉपिक है उसको भी आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुल मिला के चार टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इतिहासकार सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पावासियों के शिल्प उत्पादन के विषय में। और उसके बाद हम जानेंगे कि हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल किस प्रकार से प्राप्त करते थे, मतलब कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी नीति अपनाते थे। और आखिर में हम बात करेंगे हड़प्पावासियों के विदेशी संबंध, यानी कि क्या दूसरे देशों के साथ भी हड़प्पावासियों का कोई संबंध था। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो चार टॉपिक है उसको हम बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे कि इतिहासकार किस प्रकार से सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक विभिन्नता पुराने समय में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, यानी कि समाज में कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ लोग गरीब होते थे। ये आज की बात नहीं है, बल्कि पुराने समय में भी ऐसे सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती थी समाज में। तो इतिहासकार ये बात का पता कैसे लगाते हैं कि कौन से लोग अमीर रहे होंगे, कौन से गरीब रहे होंगे, मतलब सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं। तो इसके लिए इतिहासकार दो विधि का इस्तेमाल करते हैं, दो ऐसे तरीके हैं जिससे कि इतिहासकार सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कर सकते हैं। पहला विधि है स्वाधानों का अध्ययन। स्वाधान यानी कि कब्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली और किस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं मिली। अब मान लेते हैं कि जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली उससे इतिहासकार अनुमान लगा लेंगे कि लोग क्या रहे होंगे, अमीर रहे होंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, मरने के बाद मृतकों के साथ बहुत सारे वस्तुओं को दफना दिया करते थे। अब जिस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं या फिर सस्ती वस्तुएं मिलेगी उससे इतिहासकार पता लगा लेंगे कि वो लोग गरीब रहे होंगे और उनकी सामाजिक स्थिति खराब रही होगी। इसके अलावा हड़प्पावासी क्या करते थे, अपने मृतकों को गर्तों में दफनाते थे। और कई बार ये देखा गया है कि जो गर्तों की जो बनावट थी वो अलग अलग आकार की भी होती थी, और गर्तों के बनावट से भी सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया जा सकता है। दोस्तों, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने का जो दूसरा तरीका है वह है विलासिता की वस्तुओं की खोज। इस विधि में क्या करते हैं, इतिहासकार वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। एक तो सामान्य किस्म की वस्तुएं, सामान्य किस्म की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती हो या जिनको बनाना बहुत आसान हो, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हैं, सुई है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो वस्तु है वो है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हो या जिनको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम फ्यूंस के पात्र की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में फ्यूंस के पात्रों के उदाहरण, मतलब जो साक्ष्य है, बहुत ही कम मिले हैं और इसको बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता था क्योंकि इसको बनाना बहुत कठिन था। तो दोस्तों, जिन स्थानों से फ्यूंस के पात्र जैसी विलासिता की वस्तुएं मिली, इससे अनुमान लगेगा कि वहाँ के लोग अमीर रहे होंगे। और जिन स्थानों से सुई या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर सामान्य किस्म की वस्तुएं मिली होगी उससे इतिहासकार पता लगा लेंगे कि वहाँ के लोग गरीब रहे होंगे। तो इन दो तरीकों से इतिहासकार क्या करते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करना। ये NCERT का पांचवा टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे कि हड़प्पावासी क्या शिल्प कार्य भी करते थे। देखिए दोस्तों, हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे और बहुत अच्छे तरीके से हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है हाथों से वस्तुओं का निर्माण करना, और हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे। चन्हुद्रो एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन होता था, मतलब चन्हुद्रो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन करने वाला एक जगह था। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में बहुत सारे कामों को शामिल किया जाता था, जैसे कि औजार बनाना है, मनके बनाना है, बाटों का निर्माण करना है, शंख की कटाई करना है। तो ये सभी काम कहीं ना कहीं हड़प्पावासियों के शिल्प उत्पादन में शामिल होते थे। हड़प्पावासियों के शिल्प उत्पादन में सबसे जो मुख्य काम था वो था मनकों का निर्माण करना। सबसे अच्छे मनके बनाया करते थे और सबसे ज़्यादा मनकों का निर्माण ही होता था। अब इनके जो मनके थे वो अलग अलग आकार के भी बनाए जाते थे, जैसे कि बेलनाकार, ढोलाकार, चकोराकार, आयताकार, वर्गाकार, मतलब कि अलग अलग आकार के ये क्या करते थे, मनके बनाते थे।
मनकों का निर्माण करने के लिए ज्यादातर मनके जो थे वो सेलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके मतलब सेलखरी नामक पत्थर काफी मुलायम पत्थर होता था जिसपे आसानी से काम किया जा सकता था, तो इसका इस्तेमाल वो शिल्प उत्पादन में किया गया। दोस्तों अब हम एनसीईआरटी का जो टॉपिक नंबर 6 है उसको हम समझने वाले हैं, जो है माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि हड़प्पावासी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। देखिए दोस्तों, हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे, मतलब हाथों से बहुत अच्छे तरीके से वस्तुओं का निर्माण करते थे, लेकिन वस्तुओं को निर्माण करते समय उनको कई प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती थी। अब बहुत सारे कच्चे माल उनको अपनी बस्तियों में ही मिल जाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं भी होती थी, ऐसे कच्चे माल भी होते थे जिनको बाहर से मंगाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पावासी क्या करते थे, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दो नीतियां अपनाते थे। मुख्य दो नीति है जिसमें सबसे पहली नीति है बस्तियां स्थापित करना। हड़प्पावासी क्या करते थे, उन जगह पे अपनी बस्तियां स्थापित करते थे जहां से कच्चे माल को आसानी से प्राप्त कर सके। विशेषकर हम नागेश्वर और बालाकोट के उदाहरण ले तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाने के लिए वहां पे बस्तियां स्थापित की गई। इसके अलावा अफगानिस्तान का सोरदुघई एक जगह है जहां से नीलमणि मंगाने के लिए यानी कि लाजवर्द मणि मंगाने के लिए वहां पे बस्तियां स्थापित की गई। लोथल जो कि गुजरात में है वहां से कार्निलियन मंगाने के लिए बस्तियां स्थापित की गई। तो ये ऐसे जगह है जहां से बस्तियां स्थापित करके कच्चे माल की प्राप्ति की गई थी। अब बात करते दोस्तों हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए जो दूसरी नीति अपनाते थे वो था अभियान भेजना। हड़प्पावासी कई जगह पे अपने अभियान भी भेजते थे, मतलब बहुत सारे लोगों का अभियान भेजा था जिससे क्या कर सके, दूसरे जगह के लोगों से संपर्क साध सके, संपर्क बना सके। संपर्क बनाने के लिए अभियान भेजा जाता था। विशेषकर राजस्थान का जो खेतरी अंचल एक जगह है वहां से तांबा मंगाने के लिए अभियान भेजे गए थे। इसके अलावा दक्षिणी भारत से सोना मंगाने के लिए अभियान भेजे गए थे। तो अभियान भेजना भी एक ऐसा तरीका था जिससे कि वो कच्चे माल की प्राप्ति कर सकते थे। इसके अलावा कई दूसरे देशों से यानी कि विदेशी संबंध भी हड़प्पावासियों ने स्थापित किए थे जिससे कि वो कच्चे माल की प्राप्ति कर सकते थे। दोस्तों अब हम समझेंगे हड़प्पावासियों का विदेशी संबंध यानी कि अपने इलाके से बाहर क्या हड़प्पावासी व्यापार करते थे या कोई संबंध बनाया था उन्होंने। तो अगर हम बात करें हड़प्पावासियों के विदेशी संबंध की तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है ओमान का। देखिए दोस्तों, हड़प्पावासी तांबा मंगाने के लिए ओमान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। मतलब तांबा कहाँ से मंगाते थे, ओमान से मंगाते। जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो जो हड़प्पाई तांबा था और जो ओमानी तांबा था दोनों में ही निकल के अंश मिले थे, जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान के साथ व्यापार करते थे। दूसरा एक और साक्ष्य मिला है, एक हड़प्पाई मर्तबान यानी कि मिट्टी का बर्तन जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी, और ये हड़प्पाई मर्तबान पाया गया ओमान से, जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा वासियों के साथ ओमान के लोगों का जो व्यापार था वो होता था, यानी कि व्यापारिक संबंध दोनों देशों के बीच में था। इसके अलावा मेसोपोटामिया के कई ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों का वर्णन है, जैसे कि मेलुआ है, मगान है, ऐसे ऐसे मतलब नाम इस्तेमाल किए गए हैं जो इस बात को दर्शाता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध था। इसके अलावा भी हड़प्पाई मोहरों पे नावों और जहाजों के चित्र बने हुए हैं, जो क्या दर्शाता है कि नावों और जहाजों का इस्तेमाल हड़प्पा वासी व्यापार करने के लिए करते थे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हड़प्पा वासियों का जो विदेशी संबंध है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।